नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलागार टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिलागार टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सिलागार टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिलागार टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिलागार एक ब्रांड नेम है। सिलागार टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सिलनिडिपाइन होता है। सिलागार टैबलेट 5 mg, 10 mg व 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सिलागार टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सिलागार टैबलेट का उपयोग किया जाता है। सिलागार टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिलागार टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सिलागार टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, चेहरे का लाल होना, सिरदर्द होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा कम होना, आँखों में दर्द होना, हाथों व पैरों में सूजन होना, दिल की धड़कन का तेज होना, घबराहट होना, बार बार पेशाब आना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द होना, दस्त होना और त्वचा पर रैशेस व खुजली होना आदि साइड इफेक्ट्स सिलागार टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलागार टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सिलागार टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिलागार 5 mg से लेकर सिलागार 10 mg टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं, और बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर डोज को बढ़ाकर सिलागार 20 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। सिलागार टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिलागार टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद ना रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलागार टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सिलागार टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी मर्जी से लेना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिलागार टैबलेट को एकदम से बंद कर देने से एंजाइना होने का जोखिम अधिक हो जाता है। एंजाइना होने पर हृदय तक ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से छाती में दर्द होने लग जाता है। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको सिलागार टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिलागार टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रेकमेंडेड नहीं है। सिलागार टैबलेट मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं में सिलागार टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिलागार टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सिलागार टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।